हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं? उम्मीद करते हैं आप सब अच्छे होंगे। तो आज एक नई इन्फॉर्मेशन के साथ आप लोगों के बीच, और वो इन्फॉर्मेशन है कि इंडियन आर्मी में फार्मासिस्ट की वैकेंसी आई है, उसी के बारे में मैं इन्फॉर्मेशन शेयर करने वाला हूं। तो सबसे पहले गूगल में जाएंगे और गूगल में हम लोग टाइप करेंगे ज्वाइन इंडियन आर्मी, और इसको क्लिक करने के बाद आपको वेबसाइट मिलेगा ज्वाइन इंडियन आर्मी। इसी पे आप क्लिक करेंगे और क्लिक करने के बाद आपको मिला ज्वाइन इंडियन आर्मी। ये आपका ऑफिशियल वेबसाइट है ज्वाइन इंडियन आर्मी का, और यहाँ पे फार्मासिस्ट की वैकेंसी आई है। वो वैकेंसी हम लोग कहाँ से देखेंगे उसी के बारे में आपको बताने वाला हूँ। तो यहाँ पे देखें अग्निपथ, और अग्निपथ में जब आप आएंगे तो नीचे देखें रैली नोटिफिकेशन, इस पर आप क्लिक करेंगे। और जब क्लिक करेंगे तो आपको नोटिफिकेशन यहाँ पे मिलेंगे तमाम, और इसी नोटिफिकेशन में आपको फार्मासिस्ट की वैकेंसी मिलेगी। तो लगभग लगभग बहुत सारे स्टेट में फार्मासिस्ट की वैकेंसी आई है, और वो अगर वैकेंसी देखे कहाँ कहाँ आई है तो यहाँ पे आप देख सकते हैं बैंगलोर में आई है, यहाँ पे देखें जयपुर में है यहाँ पे, और इसी तरह से देखें जालंधर में आपके फार्मासिस्ट का वैकेंसी आई है, इसी तरह से बिहार और झारखंड में आई है। और उसके बाद अगर देखें हम लोग तो ये वैकेंसी आपको दिख रही है लखनऊ। तो हम लोग बात करेंगे लखनऊ रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन फॉर सेफ फार्मा। तो इसी पे जब जाएंगे तो यहाँ पे जब आप आएंगे लखनऊ फार्मासिस्ट पे, तो यहाँ पे आपको पीडीएफ दिख रहा है, और इसी पीडीएफ पे हम लोग क्लिक करेंगे। और पीडीएफ को क्लिक करने के बाद हमको इसके नोटिफिकेशन के बारे में जानकारी मिलेगी। तो इसके क्लिक करेंगे तो एक नया पेज खुलेगा, और वो पेज यहाँ पे खुल गया, और देखें जोनल रिक्रूटमेंट ऑफिस लखनऊ। तो यहाँ पे इन्वाइट ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म फॉर मेल कैंडिडेट। तो यहाँ पे एक चीज यहाँ पे लिखा गया है कि इस पोस्ट को सिर्फ मेल कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। तो मेल कैंडिडेट फॉर सिलेक्शन टेस्ट फॉर सिपॉय फार्मा इनटेक फॉर रिक्रूटिंग ईयर 2023-24 ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन डेट फ्रॉम 16 फरवरी 2023 टू 15 मार्च 2023, ऑनलाइन एग्जाम डेट 17 अप्रैल 2023। तो 16 तारीख से आपके फॉर्म खुल चुके हैं, 16 तारीख से आपके फॉर्म ओपन हो चुके हैं, और इसकी जो डेट यहां पे दी गई है, वो जो डेट दी गई है लास्ट, अगर आप देखें तो 15 मार्च, ठीक है, 15 मार्च इसकी लास्ट डेट है। और जो एग्जामिनेशन की डेट यहां पे मेंशन की गई है वो 17 अप्रैल 2023। तो एक तो इम्पोर्टेंट चीज आके निकल गई कि ये जो जॉब है ये मेल कैंडिडेट के लिए है, फीमेल के लिए नहीं है। एप्लीकेशन इनवाइटेड फ्रॉम द डोमेसाइल ऑफ ऑल डिस्ट्रिक्ट ऑफ उत्तर प्रदेश एंड उत्तराखंड। एक चीज और आ गया कि यहां पे जो लोग उत्तर प्रदेश के निवासी हैं वही लोग इस लखनऊ के लिए अप्लाई कर सकते हैं, या जो उत्तराखंड के निवासी हैं वो अप्लाई कर सकते हैं। तो इसका मतलब है कि हर स्टेट के अलग अलग, जो हर स्टेट की जो वैकेंसी आई है वो आप उसका डोमेसाइल अगर आप रखते हैं, निवासी हैं, तो वहां का फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। तो फिलहाल ये उत्तर प्रदेश के जो लोग भी हैं, अगर वो इंडियन आर्मी ज्वाइन करना चाहते हैं, इंडियन आर्मी में फार्मासिस्ट की जॉब करना चाहते हैं, तो उनके लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी है कि वो इस फॉर्म को फिलअप करके इंडियन आर्मी में फार्मासिस्ट की सेवा कर सकते हैं, जॉब कर सकते हैं। तो इसी से अगर पीडीएफ को नीचे चल के देखें क्या क्या इन्फॉर्मेशन दी गई है, तो वो इन्फॉर्मेशन यहां पे देखें, इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन में क्या क्या चीजें दी गई हैं वहां पे। तो यहां पे इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन में पहला जो यहां पे दिया गया है, रिक्रूटमेंट ईयर 2023 टू 24 है, और ये दो फेज में एग्जाम होंगे। ये क्लियर किया इन्होंने, दो फेज में एग्जाम होंगे। पहला जो फेज है वो ऑनलाइन कंप्यूटर बेस्ड रिटेन एग्जामिनेशन, जिसको बोल रहे हैं सीईई। तो एक ऑनलाइन एग्जाम कराएंगे पहले, और जो लोग ऑनलाइन में क्वालिफाई करेंगे उनका फेज टू होगा। फेज टू मीन्स रिक्रूटमेंट रैली, यानी फिजिकल होगा इनका, यानी जो लोग क्वालिफाई करेंगे उनका फिजिकल टेस्ट होगा, उसके बाद आप इंडियन आर्मी ज्वाइन कर पाएंगे। प्रोसीजर फॉर ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन के लिए आपको यहां पे वेबसाइट दी गई है www.joinindianarmy.nic.in। यहां से आप फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं, आप अपनी एलिजिबिलिटी भी चेक कर सकते हैं और फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। ठीक, स्टार्ट हो चुका है 16 फरवरी से और 15 मार्च। तो ये एग्जामिनेशन फीस यहां पे दी गई है, एग्जामिनेशन फीस 250 यानी 250 पर एप्लीकेंट टू बी पेड बाय द कैंडिडेट फॉर द ऑनलाइन एग्जामिनेशन, यानी 250 रुपए ऑनलाइन एग्जामिनेशन के लिए है। ठीक,
तो ये आपको पेमेंट का मोड यहाँ पे दिया गया है, किस तरह से आप इसको पेमेंट करेंगे, और फिर ये सारी इन्फॉर्मेशन दी गई है। ये सारी इन्फॉर्मेशन आप क्लियरली इसको पढ़ लेंगे कि कैसे क्या क्या चीजें हैं। अब जो नेक्स्ट हम लोग देखें कि इसकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है। तो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के लिए हम लोग देखें तो यहाँ पे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया दिया गया है, और वो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया यहाँ पे है, देखें 10+2 इक्विवेलेंट एग्जाम पास क्वालिफाइड इन डी फार्मा। क्लियर हो गया कि जो लोगों ने डी फॉर्म किया एक चीज विथ मिनिमम 55%, यानी 55% आपके मार्क्स होने चाहिए, एंड रजिस्टर्ड विथ द स्टेट काउंसिल, यानी आपका रजिस्ट्रेशन फार्मेसी काउंसिल स्टेट लेवल पे आपका रजिस्ट्रेशन होना चाहिए, ठीक है, इन बी फार्मा विथ 50%, यानी डिप्लोमा अगर आपने किया है तो आपके 55% मार्क्स होने चाहिए, और अगर आपने बैचलर किया है तो आपके मार्क्स होने चाहिए 50%। और यहां पे भी आपका क्या होना चाहिए, रजिस्टर्ड विद स्टेट फार्मेसी काउंसिल, यानी आप इंपॉर्टेंट हो गया कि डिप्लोमा वाले भी अप्लाई कर सकते हैं, बैचलर वाले भी, लेकिन रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट होना चाहिए। एज यहां पे क्लियर किया है 19 से लेके 25 साल होना चाहिए, यानी कैंडिडेट बॉर्न बिटवीन, जो डेट ऑफ बर्थ है 1 अक्टूबर 1998 और 1 अप्रैल 2004 के बीच, जिनका भी डेट ऑफ बर्थ है वो सारे लोग एलिजिबल हैं इस फॉर्म को भरने के लिए। तो जिन लोगों को भी इंडियन आर्मी में जॉब करनी है, फार्मासिस्ट की जॉब करनी है, वो सारे लोग इस फॉर्म को फिलअप करें, एग्जाम दें, और एग्जाम देने के बाद अगर आप एग्जाम में क्वालिफाई हो जाएंगे तब आपका फिजिकल होगा। तो फिजिकल के लिए यहाँ पे चीजें दी गई हैं, इन सारी चीजों को आप क्लियरली अच्छे से पढ़िएगा। यहाँ पे दिया गया है कि उत्तर प्रदेश प्लेन यानी मेरठ आगरा डिवीजन, और अगर ईस्टर्न बात करें पूर्वांचल की तो यहाँ पे हाइट दे रखा है 170-169 सेंटीमीटर हाइट होनी चाहिए। वेट यहाँ पे दिया गया है एज पर मेडिकल पॉलिसी, और यहाँ पे चेस्ट दिया गया है। तो ये सारी रिक्वायरमेंट आपको पढ़ लेनी है, पढ़ने के बाद ही आप फॉर्म फिलअप करेंगे, ताकि आपको ये कंफ्यूजन ना रहे कि हमने फॉर्म गलत फिल कर दिया। तो इस तरह से आप देखें वो सारे इंफॉर्मेशन आपको यहाँ पे मिलेंगे। आपको जो वेटेज है वो वेटेज भी यहाँ पे दिया गया है, स्पोर्ट्स है, एनसीसी है, इन सारे चीजों को वेटेज के बारे में भी यहाँ दिया गया है, और यहाँ पे फेज वन ऑनलाइन एग्जामिनेशन, और इसी तरह से जब नीचे चलेंगे तो फेज टू आपका होगा, जो आपका फिजिकल टेस्ट होगा। तो सारी चीज इंफॉर्मेशन को आप पढ़िए, कायदे से पढ़ने के बाद तब आप लोग फॉर्म को फिलअप करेंगे।